मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि जैसे कि मैं लाहौर में रहते हुए कभी पहले मस्जिद वज़ीर ख़ान नहीं गया, तो मैंने सोचा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लाहौर में रहते हैं या लाहौर से बाहर भी, जिन्होंने मस्जिद वज़ीर ख़ान मेरी तरह सिर्फ इंटरनेट पे वीडियोस पे या तस्वीरों में देखी है, तो क्यों ना उन्हें भी एक टूर करवाया जाए इस व्लॉग के ज़रिए। टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, मूड तो मेरा था आज सुबह सुबह निकलने का लेकिन कुछ लेट उठा, सो अब और देर किए बगैर सीधा चलते हैं ऑन द रोड। तो हम पहुंच चुके हैं वज़ीर ख़ान मॉस्क और हियर इट इज़। मस्जिद वज़ीर ख़ान की हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि 1634 और 1635 के दरमियान ये शाहजहाँ ने बनवाना शुरू की मस्जिद, और इसको तकरीबन 7 साल लगे कंप्लीट होने में, और ये इन द एंड 1641 में बन के तैयार हुई। और इसे मस्जिद वज़ीर ख़ान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त का जो गवर्नर था पंजाब का, उसका नाम वज़ीर ख़ान था। अभी मुझे इस मस्जिद के नायब इमाम जो हैं उन्होंने बताया कि ये जो मज़ार है हज़रत सैयद मोहम्मद इसहाक साहब का, ये इस मस्जिद के बनने से भी 400 साल पुराना है, और इनकी जो कब्र मुबारक है वो बेसमेंट में है, तो इससे पता चलता है जो पुराना लाहौर वो कितना गहरा था। सो चलते हैं। तो ये थी मस्जिद वज़ीर ख़ान, बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है, और जो भी लाहौर विज़िट करते हैं और लाहौर के लोग भी, उनको ज़रूर यहाँ आना चाहिए। और सबसे अच्छा यहाँ पे आके ये लगा कि यहाँ पे बहुत से फॉरनर्स जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में लाहौर में टूरिज़म बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सो अब आगे चलते हैं, लेट्स गो। मैं सिर्फ इतना ही, और जाते जाते कुछ मुफ्त के मशवरे। अगर आप मस्जिद वज़ीर ख़ान पहली बार जा रहे हैं तो कोशिश करें कि गूगल मैप्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि लाहौर के अंदरून शहर की गलियाँ बहुत कंजस्टेड हैं। मस्जिद वज़ीर ख़ान फ़ोटोग्राफी के लिए बेहतरीन जगह है, और अगर आप इसके मीनार पर चढ़ के हाइट से कुछ इनक्रेडिबल शॉट्स लेना चाहते हैं तो जो हज़रत मस्जिद के दरवाजे पर आपके जूते इकट्ठे कर रहे होंगे आप उनसे तआवुन कर सकते हैं, और बदले में वो आपसे तआवुन करेंगे। और अंदरून शहर आए और खलीफा बेकरी से खतियाँ ना लें, यह कैसे हो सकता है। तो
भाई खलीफा बेकरी से 1 किलो बादामों वाली खटाइयाँ ले ली हैं। अब यहाँ से बाहर मेन पे जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। गलियाँ इतनी छोटी छोटी हैं कि रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं रहता। सो लेट्स सी।